और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। 99 साल की उम्र में शंकराचार्य का निधन। द्वारकापीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद। तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया है। मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ है। और नरसिंहपुर वो जगह है मध्य प्रदेश की जहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। 99 साल की उम्र में शंकराचार्य स्वरूपानंद का निधन हुआ है। द्वारकापीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। तो आपको बड़ी खबर बता दें, दुखद खबर, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 99 साल की उम्र में शंकराचार्य का निधन हुआ है। द्वारकापीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यह दुखद खबर है, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 99 साल की उम्र में शंकराचार्य का निधन हुआ है। द्वारकापीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद। और मध्य प्रदेश वहां नरसिंहपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। द्वारकापीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुखद खबर, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ है। 99 साल की उनकी आयु थी। मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। द्वारकापीठ के शंकराचार्य थे। और तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं उनकी ये तस्वीरें। और अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है, द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, बेहद दुखद खबर आ रही है शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन की। देखिए, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी का जाना, ये आध्यात्मिक जगत के लिए, धार्मिक जगत के लिए और सामाजिक जगत के लिए और राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है। क्योंकि जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज उन महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने देश की आजादी में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे महापुरुष का जाना और राष्ट्र से संबंधित राजनीतिक मामलों में संबंधित भी कोई भी ऐसा विषय होता था, वो बेबाकी से अपनी राय भी देते थे और अपना संदेश पूरे धर्म जगत को देते थे। कई ऐसे मामले आए जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और गंगा आंदोलन चल रहा था, जिसमें प्रोफेसर जी डी अग्रवाल, जो बाद में जिनको दीक्षा देके स्वामी सानंद उन्होंने बनाया, मैं गंगा मुक्ति संग्राम का राष्ट्रीय संयोजक पूज्य महाराज श्री ने ही मुझे नियुक्त किया था। तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और प्रणब मुखर्जी जी वित्त मंत्री थे। तो वहां पर हम लोगों का जब विवाद हुआ सरकार के साथ, तो सब लोग ये मानते थे कि स्वरूपानंद सरस्वती जी कांग्रेस की सरकार का पक्ष लेंगे, लेकिन गंगा के विषय पे उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि कोई समझौता नहीं होगा। अंत में हम लोगों को विजय मिली और सरकार ने हमारी बात को माना। तो आज उनका जाना एक युग का अंत है। धार्मिक जगत के लिए भी अपूर्णीय क्षति है, आध्यात्मिक जगत के लिए भी, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षति के रूप में मैं इसको देखता हूँ। ऐसे महापुरुष मुझे नहीं लगता है कि अब सदियों तक प्रतीक्षा होती है तब इस तरह के दो दो पीठों के हमारे शंकराचार्य आज हमसे अलग हुए हैं, लेकिन उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह मुझे लगता है कि सारे धर्मावलंबियों पे बना रहेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आपने हमसे बात की, शुक्रिया आपका। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, द्वारकापीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। 99 बरस की उम्र में उनका निधन हुआ है और एक अपूर्णीय क्षति है, जैसा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम बता रहे थे। और 99 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। नरसिंहपुर मध्य प्रदेश जहाँ पर उन्होंने कुछ देर पहले अंतिम सांस ली है। और अब से कुछ देर पहले मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने अंतिम सांस ली। काफ़ी समय से कुछ बीमार भी चल रहे थे, अस्वस्थ भी चल रहे थे। और द्वारकापीठ के शंकराचार्य थे
और कुछ देर पहले उनके निधन की खबर आई है। तो एक अपूर्णीय क्षति, जैसा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम भी बता रहे थे, और जिस तरह से उन्होंने धर्म के क्षेत्र में काम किया उसके लिए उनको हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। 99 साल की उम्र में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हुआ है। आपको बता दें, उनका जन्म मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले में जबलपुर के पास दिगोरी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने इनका नाम पोथीराम उपाध्याय रखा था और 9 बरस की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और धर्म की राह पकड़ी थी, धर्म की यात्रा शुरू की थी। उत्तर प्रदेश के काशी भी वो पहुंचे। और इस वक्त विनोद बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। विनोद बंसल जी, दुखद खबर है, कैसे याद करेंगे आप शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी को? देखिए, स्वामी जी महाराज बड़े आध्यात्मिक जगत की एक जाने मानी हस्ती थी और उन्होंने काफी काम किए और पूज्य संतों के जो अखाड़े हों या हिंदू समाज के संदर्भ में जो काम हों, धर्म अध्यात्म से जोड़ने के लिए समाज में काफी एक उनका योगदान रहा। स्वामी जी जो है वो निरंतर इस आयु में भी सक्रिय रहते थे, समाज के विभिन्न मुद्दों पर समय समय पर अपनी जो राय और मार्गदर्शन उनका हमेशा मिलता रहा है। वास्तव में उनका निधन जो है, उनका प्रयाण जो है, वो समाज के लिए एक बड़ी क्षति है और प्रभु उनको सदगति देगा ही निश्चित रूप से। हम लोगों को भी वो शक्ति दे कि हिंदू समाज बंसल जी, वैसे अगर देखा जाए तो एक उनकी जो ख्वाहिश थी वो शायद थोड़ी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी। और अगर हम बात करें तो दो दो मठ, शारदा पीठ हो द्वारका का या फिर ज्योतिर्मठ हो बद्रीनाथ का, वहां के शंकराचार्य थे। नहीं, देखिए, पूज्य संतों का योगदान तो हमेशा से, इस राम जन्मभूमि की बात हो या कृष्ण जन्मभूमि की बात हो या धर्म आध्यात्मिक अन्य केंद्र हो, उन सब में रहा ही है। और पूज्य स्वामी जी सदैव लड़ते रहे और समय समय पर अपनी जो एक कहना चाहिए एक आक्रामक तेवर भी उन्होंने बीच बीच में दिखाए सरकारों को भी और को भी जी। तो सरकारों को पर एक दबाव बनाना और दूसरा लोगों को जोड़ के रखना, ये स्वामी जी की कला थी। मुझे लगता है कि उन्होंने जो काम किया उसको हिंदू समाज सदैव स्मरणीय रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद बंसल जी इंडिया टीवी से बात करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर आपको बता दें, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का 99 बरस की उम्र में निधन हुआ है। उन्होंने आखिरी सांस ली है। शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।